कि वो बेखौफ जी सके इस देश में कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित। यूपीए की चेयरपर्सन ने कहा था टाइम इज नाउ कम फॉर एक्शन। हमारी बात नहीं सुनते तो कम से कम सोनिया जी की सुन लीजिए। ये घटना 18 तारीख को सबके सामने आई, तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई। चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हां मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोक्ड अप हैं, कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सबने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी है। ये कितने प्रश्न है जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। सर अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर योर स्टैंड दैट यू अग्रीव योर पेन्ड नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर विल स्टैंड एक्सपोज्ड टुडे एज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉरगेट दैट एज अ मदर आई अपील टू यू प्लीज कॉल फॉर दैट मीटिंग सो दैट द इंडियन पॉलिटी इन अ यूनाइटेड वॉइस कैन टेल द पीपल ऑफ इंडिया दैट वी विल नॉट फेल यू। थैंक यू।